आप देख रहे हैं राजधानी लाइव, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के दौरान जान माल का नुकसान उठा रहे दिल्ली के निवासियों को राहत देने के लिए चार ऐतिहासिक योजनाओं का ऐलान किया है। सीएम ने घोषणा की है कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनके परिवार को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, और वहीं जिन परिवारों में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है उनको मुआवजे के साथ 2500 रुपए महीना पेंशन भी मिलेगी। कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की उम्र तक 2500 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी और पढ़ाई भी मुफ्त होगी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते गरीबों को चारों तरफ से मार झेलनी पड़ी है, इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों के साथ बिना राशन कार्ड वालों को भी राहत देने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाओं के लिए पैसा कहाँ से आएगा। 6 साल पहले आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार चुनी थी, पिछले 6 साल से हमने रिश्वतखोरी और फिजूल खर्ची खत्म कर दी है। हम जहां से भी पैसा निकाल सकते हैं वहां से पैसा निकालकर हमने अपने दिल्ली के लोगों के लिए इन योजनाओं की घोषणा की है। मुसीबत की घड़ी में आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा, लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोजगार खत्म हो गए, कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने के लिए दिक्कत हो रही है, राशन की दिक्कत हो रही है, जिनके घर में कोरोना हो जाता है उनको 10 तरह की समस्याएं होती हैं, उनको बीमार आदमी को लेकर अस्पताल जाना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में तो इलाज मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में अच्छा खासा पैसा लग जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में अपने लोगों की मौत हो गई है, उनके घर में जो कमाने वाले थे अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके दोनों माँ बाप चले गए हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके कमाने वाले बच्चे चले गए हैं, लेकिन मैं सबके साथ हूँ और सबकी मदद की जाएगी। कोरोना की इस महामारी के दौरान एक आम आदमी को चारों तरफ से मार पड़ रही है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा है, लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने की भी दिक्कत हो रही है, राशन की दिक्कत हो रही है, जिनके घर में कोरोना हो जाता है उनको 10 तरह की समस्याएं हैं, उनको बीमार आदमी को लेके अस्पताल लेके जाना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में तो इलाज मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल के अंदर अच्छा खासा पैसा लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में उनके अपने लोगों की मौत हो गई, जो उनके कमाने वाले थे उनके घर में उनकी मौत हो गई, अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिनके दोनों माँ बाप चले गए, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके कमाने वाले बच्चे चले गए। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसी के ऊपर मंथन कर रहे थे कि किस तरह से इस वक्त, हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हम सब एक परिवार हैं, किस तरह से इस वक्त हम लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें। तो आज विचार मंथन के बाद 4 हम लोग घोषणाएं करने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 कदम हम उठाने जा रहे हैं इससे लोगों को इस मुसीबत के वक्त में काफी। पहली चीज, दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं, इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा 5 किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत और दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त दिया जा रहा है। तो हर राशन कार्ड धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है, जो कि मुफ्त होगा।
5 किलो दिल्ली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन दिल्ली में केवल 72 लाख राशन कार्डधारी हैं। ये 72 लाख का कोटा केंद्र सरकार ने, हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतने ही राशन कार्डधारी होंगे, तो नए राशन कार्ड अभी नहीं बन सकते। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि राशन का कोटा खत्म हो गया दिल्ली का। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। जो जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा। पिछले साल भी जब पहली वेव आई थी, हमने नॉन पीडीएस वालों को राशन दिया था। जिस तरह से पिछली बार दिया था, उसी तरह से इस बार भी जिनके राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों को राशन दिया जाएगा। ये 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर ये लागू हो जाएगा और आपको राशन मिलना चालू हो जाएगा। इसमें आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। जो कहेगा मैं गरीब हूँ, मुझे राशन चाहिए, उसको राशन दिया जाएगा। दूसरे ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई, उन सभी लोगों से हमारी सहानुभूति है। हम समझ सकते हैं जब अपना अपने किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के ऊपर, अपने ऊपर कितनी बड़ी गाज गिरती है। आपके इस लॉस को, इस क्षति को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुसीबत के घड़े में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, एक्स ग्रेशियो अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। तीसरा, ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, वो व्यक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उन्हीं की वजह से परिवार चलता था। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशियो अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी, और अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी। लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी, जहाँ जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई, या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई, मतलब दोनों में से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, कई ऐसी ऐतिहासिक योजनाएं ही इनको कहा जाएगा जिनका ऐलान सीएम केजरीवाल ने कहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली की सीएम मुख्यमंत्री की, तो कहकर उन्होंने जब घोषणाएं की थी और ये घोषणाएं पहले भी की गई थी, क्योंकि केंद्र ने जब कहा था कि कोरोना काल के अंदर गरीबों को 2 महीने का राशन दिया जाएगा, तो उसके बाद में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि 2 महीने का दिल्ली की सरकार की तरफ से भी राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाएगा। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी जनता को राहत देने की, मगर जिस तरीके से अब दोबारा से अरविंद केजरीवाल ने फिर घोषणा की है कि जो कोरोना काल के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे, और जिनके माँ बाप, यानी जिन बच्चों के माँ बाप कोरोना काल की वजह से, कोरोना की वजह से मर चुके हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हर महीने पर 2,500 रुपए दिए जाएंगे, और यहाँ तक की जो उनकी पढ़ाई है वो भी कहीं ना कहीं फ्री की जाएगी। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही दिल्ली सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर है, मगर कहीं ना कहीं इसमें देखना होगा कि 2,500 रुपए जो बच्चों को दिए जाएंगे वो किस आधार पर देखे जाएंगे, कि अगर कोरोना काल की वजह से जो लोग मरे हैं उनका रिकॉर्ड निकाला जाएगा, या बच्चे का किस तरीके से उनसे उनसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, ये भी जरूर देखना होगा। मगर जिस तरीके से कहा कि उन्होंने जो जिनके कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था या 2 व्यक्ति थे वो मर चुके हैं, और कहीं ना कहीं बुजुर्गों की अब यानी सेवा करने के लिए
कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी दिल्ली सरकार 2500 रुपए की पेंशन लेके आई है और कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि उनको भी कहीं ना कहीं राहत दी जाए। मतलब जिस तरीके से बात करें राशन कार्ड धारकों की, तो उनके लिए भी यानी कि लगभग 72,000 जो दिल्ली सरकार के अंदर ही जो राशन कार्ड धारक है उनको भी कहीं ना कहीं राशन दिया जाएगा, और जो लोग राशन कार्ड धारक है कोई अंदर नहीं है उनको भी कहीं ना कहीं राशन देने की कोशिश की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं अभी काफी लंबा समय हो चुका है, यानी कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था और कहीं ना कहीं आज 19 तारीख हो चुकी है और अब जाकर दिल्ली सरकार की जो योजना है राशन देने की वो स्टार्ट की गई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है जरूर है। मगर कहीं ना कहीं राशन कार्ड जो राशन डीलर है वो कहीं ना कहीं अभी भी कालाबाजारी करते नजर आ रहे हैं और दिल्ली सरकार उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाती नजर आ रही है, क्योंकि खाद्य मंत्रालय जो है वो इमरान हुसैन के अंदर में आता है और इमरान हुसैन ही कहीं ना कहीं इसको मॉनिटराइज कर रहे हैं और हर तरीके से कोशिश की जा रही है जनता को राहत दी जाए, राशन दिया जाए, और यहाँ तक की जो पेंशन देने की बात है या फिर कहें 50,000 रुपए देने की बात है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है। मगर अभी तक कोरोना की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल जरूर होती नजर आ रही है, मगर इतनी कंट्रोल नहीं है कि जिसको हम दिल्ली सरकार लूट दे सके या फिर लॉकडाउन को कहीं ना कहीं खोल सके। मगर दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अभी कोरोना काल की वजह से दिल्ली के अंदर शक्तियां रहेंगी और देखना होगा कि ये शक्तियां कितने टाइम तक रहेंगी, कितने समय तक रहेंगी, ये जरूर देखना होगा इसके अंदर। जी राजीव, अब सवाल ये है कि पहले भी कई बार योजनाओं की घोषणा की गई है, अभी हमने कुछ ही दिन पहले लगभग देखा था, और इसी महीने की अगर बात कर ले तब भी चाहे वो ऑटो रिक्शा चालकों हों या फिर दूसरे लोग हों उनके लिए भी ऐलान किया था सीएम ने, कई बड़ी घोषणाएं की थी, क्या उन तक वो पहुंच पाई, वो मदद अभी तक पहुंच पाई? इसीलिए सवाल उठ जाते हैं कि पहले की आप मदद पहुंचा नहीं पा रहे, अगली कैसे पहुंचा पाएंगे? देखिए यहाँ पर बिल्कुल समझना होगा, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पहले भी यानी कि प्रधानमंत्री के घोषणा करने के बाद में अपने राशन कार्ड धारकों को, दिल्ली के राशन कार्ड धारकों को राशन देने की घोषणा की थी, मगर अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई है दिल्ली सरकार के। बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर की जाती है, चाहे वो ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए 5,000-5,000 रुपए की देने की बात हो या फिर मजदूरों की देने की बात हो, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जब लॉकडाउन स्टार्ट किया था उस समय कहा था कि दिल्ली के अंदर सिर्फ छोटा सा लॉकडाउन है, प्रवासी मजदूर बाहर ना जाएं, यहीं पे रहें, यहीं पे उनका इंतजाम किया जाएगा। मगर जिस तरीके से 1 तारीख से कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं 19 तारीख हो चुकी है और अभी भी कहीं ना कहीं योजनाएं जो है वो सिर्फ किताबों के अंदर है और धरातल पर यह योजनाएं नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से राशन देने की, तो राशन देने के लिए भी कहीं ना कहीं अभी राशन कार्ड धारकों राशन डीलरों ने अभी राशन देना स्टार्ट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं अभी भी 19 दिन का जो समय बीता है उसके अंदर कैसे गुजारा करेगा वजह। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, अगर इसको राजनीतिक नजरिए से हम देखें कह सकते हैं कि आपदा में अवसर या फिर सीधे लोगों की मदद की जा रही है या फिर आपदा में अवसर इसको कहा जाएगा? सर यही कहा जाएगा कि आपदा के अंदर सिर्फ घोषणाएं की जा रही हैं, मगर अभी घोषणाएं के साथ साथ कुछ हद तक स्टार्ट भी कर दी गई हैं, घोषणाएं जो धरातल पर नजर आ रही है, मगर अभी तक सभी व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाई है। बात करें जिस तरीके से 50,000-50,000 रुपए देने की, तो वो भी कहीं ना कहीं देख लो आप जाके घोषणाएं की है तो कितने समय बाद मिलेगी ये सुविधाएं उनको, और कहीं ना कहीं जिन लोगों के जो कमाने वाला नहीं है तो वो कैसे अपना गुजारा करेंगे और उन तक वो सुविधाएं कैसे दी जाएंगी, यानी 2500 रुपए की जो पेंशन है वो किस तरीके से दी जाएंगी और कितने समय बाद दी जाएंगी। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की योजनाओं की, बेशक दिल्ली सरकार ने घोषणाएं जरूर की है, मगर जितने 6 साल के अंदर उन्होंने बताया कि 6 साल का जो समय है उनके पास, जो जिस समय दिल्ली सरकार आई थी और कालाबाजारी रोकी गई थी और कहीं ना कहीं जो कटौती की गई है उनमें से ये फंड निकाला गया है और उनके फंड को द्वारा ही ये जनता तक दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं हर तरीके से जिस समय अस्पतालों के अंदर हालात बुरे थे और कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता वहां तक नहीं जा रहे थे और कहीं ना कहीं मरीज जो थे वो बिल्कुल परेशान थे, मगर अब देखना होगा घोषणाएं तो सभी कर रहे हैं मगर क्या धरातल पर आम जनता को फायदा भी होगा या सिर्फ घोषणाएं बनकर रह जाएंगी, क्योंकि इस तरीके के काल के अंदर जैसे कोरोना काल की बात करें या फिर और आपदाओं की बात करें तो उनके अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर की जाती है, मगर धरातल पर कहीं ना कहीं वो सुविधाएं उन जनता तक नहीं पहुंच पाती है जिनका वो हकदार होते हैं और कहीं ना कहीं किताबों के अंदर ही घोषणाएं बनकर रह जाती है। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश की राजधानी में कई ऐसे ऐलान किए गए हैं जो कि सरकार की तरफ से लोगों को मदद दी जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो मदद उन लोगों तक पहुंच जाए तभी राहत की खबर उनके लिए होगी। राजधानी लाइव की दूसरी खबर आपको बताते हैं। ठाणे क्राइम ब्रांच के यूनिट 1 ने भिवंडी इलाके में कलकबार गांव में एक बिल्डर के ऑफिस में छापेमारी करके 12,000 जिलेटिन की छड़े और 3,008 डेटानेटर जब्त किया है। ठाणे क्राइम ब्रांच ने मित्तल इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी के दफ्तर में छापा मारकर विस्फोटक जब्त किया। विस्फोटकों का इस्तेमाल बिल्डिंग कार्य में होता है, लेकिन इतनी तादाद में क्यों जमा कर रखे थे इसकी छानबीन हो रही है। आरोपी का नाम गुरुनाथ महात्रे है जो कि बिल्डिंग में मटेरियल सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है।
आरोपी को भिवंडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 22 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत क्राइम ब्रांच के यूनिट 1 के पीआई कोकनी साहब और यूनिट 2 के पीआई होनमने साहब, इन दोनों ने जॉइंट संयुक्त कार्रवाई की है। भिवंडी शहर के पास जो कालवार गांव है, वहां के गुरुनाथ महात्रे नामक एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्वारी का और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं, उन्होंने इल्लीगल और बहुत ही रिस्की पद्धति से दो जगह पे डिटोनेटर्स और जिलेटिन रखे थे, वहां रेड करके इनको ताबे में लिया है। लगभग 3008 इतनी ज़्यादा मात्रा में डिटोनेटर्स मिले हैं और 12,000 जिलेटिन के कैंडल्स मिले हैं, जो कि बहुत ही बड़ी कामयाबी क्राइम ब्रांच ने की है। ये जो रोड कॉन्ट्रैक्टर है, क्वारी का काम करते ये अरेस्टेड एक्यूज, इनको ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया गया। 22 तारीख तक 4 दिन की उनको PCR भी मिली है। ये एक्सप्लोजिव्स रखने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जिनके पास लाइसेंस है उनको ही इसका साठा करने की और यूज करने की परमिशन है, लेकिन इनके पास कौन से भी लाइसेंस नहीं थे। इल्लीगल पद्धति से इन्होंने इसका स्टोरेज किया था। इसकी वजह क्या है, ये किसने भेजा था और इनमें कौन कौन शामिल है, ये सब चीज़ों का तहकीकात के लिए क्राइम ब्रांच काम कर रही है। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ मुंबई से इस समय ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जो बिल्डर ऑफिस में छापेमारी की गई है, तकरीबन 12,000 की जो है जिलेटिन बताई जा रही है और 3008 उसकी संख्या है। सटे भिवंडी इलाके में मित्तल इंटरप्राइजेज नामक बिल्डर के ऑफिस से करीब 12,000 जिलेटिन छड़े और 3008 जो विस्फोटक यू कहे तो जो विस्फोट के उपयोग में लाने वाली जो चीजें होती है डेटोनेटर, उसको जब्त किया गया है। ये कहीं ना कहीं मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में जिलेटिन और डेटोनेटर बरामद किया गया, वो कहीं ना कहीं सवालों को घेरे में है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लाया कहां से गया और क्यों लाया गया, इसका उपयोग क्या था। लेकिन जिस तरह से मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में बल्कि यू कहें तो पूरे देश में इस तरह की बड़ी संख्या में जिलेटिन लाना या रखना या डेटोनेटर रखना बिल्कुल गैर कानूनी है, अपराध है। उसके बावजूद भी इस तरह से चीज अगर मिली है तो जाहिर तौर पर क्राइम ब्रांच के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्राइम ब्रांच इस तफ्तीश में लगी है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, गुरुनाथ महात्रे नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया, वो कहां का रहने वाला है और किस उपयोग से, किस पर्पज से इसको अपने ऑफिस में रखता था। कितने लोग इसमें लगभग शामिल बताए जा रहे हैं और जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? देखिए काजल, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं बिल्डर से जुड़ा हुआ, तो जाहिर तौर पर एक तक का काम नहीं होगा बल्कि बिल्डर से जुड़े तमाम लोग होते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में जिलेटिन और डेटोनेटर का उपयोग कहां कहां करने वाले थे, किस उद्देश्य से करने वाले थे, उसी उद्देश्य के जरिए इनकी लिंक, इनकी कड़ी को भी जोड़ा जाएगा। ऐसे में मालूम जानकारी मिल रही है कि इसमें और कई लोग शामिल है। जिस तरह से लक्ष्मीकांत पाटिल DCP ने बताया है कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं पेचीदा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मुंबई में पहले जो है एक जी मुंबई के पौध इलाके में जो जिलेटिन मिली थी उसको लेकर लगातार बवाल बढ़ा था। उसके बाद तो फिर लगातार जिलेटिन के ऊपर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये लिंक कहीं कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है कि ये कौन से लोग हैं और किस तरह से इसका उपयोग करते थे। फिलहाल ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इसको रखने का उद्देश्य क्या था और इतनी बड़ी संख्या में लाने के लिए कहां से लाया गया था इसका, और कितने लोग पूरे मामले में शामिल है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, पूछताछ में अब तक कुछ सामने आया आरोपी से? देखिए पूछताछ में यही मालूम पड़ा है कि ये शख्स जो है बिल्डर है, रोड कॉन्ट्रैक्टर है। हालांकि जो जिलेटिन मिली है, डेटोनेटर मिला है, कहीं कहीं पहाड़ों को और अन्य जो बिल्डिंग्स पुरानी हो जाती है उनको तोड़ने के में भी काम आ जाता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर जिलेटिन बरामद होता है तो जाहिर तौर पर सवाल खड़ा होता है कि कहां से लाया, पर इसको इतनी बड़ी संख्या में कहां करने वाले थे, इसकी जो जांच के लिए फिलहाल 22 मई तक जो है क्राइम ब्रांच हिरासत में आरोपी को रखा गया।
का मामला हो, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जिलेटिन का मामला हो या फिर ड्रग्स का मामला हो, तमाम ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से मुंबई पुलिस पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं। लापरवाही पुलिस की रहती है, लापरवाही प्रशासन की रहती है, जिसकी वजह से ये मामले सामने आते हैं। देखिए जायसा पे इतनी बड़ी संख्या में अगर जिलेटिन मुंबई महाराष्ट्र में आता है तो कहीं कहीं सवालों को घेरे में बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी खरीदारी करना भी मुश्किल है, क्योंकि जो चीजें अवैध है जिसको खरीदा नहीं जा सकता, उसके बावजूद भी अगर किसी बिल्डर के दफ्तर में इतनी बड़ी संख्या में बरामद होती है तो जायसा पे सवालिया निशान बिल्कुल खड़े होते हैं। अगर पुलिस पर सवाल के निशान खड़े होते हैं, क्योंकि पहले से भी लगातार कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, चाहे वो स्टार पर ड्रग्स का मामला हो या फिर उसके अलावा पूछताछ के मामले हो, कई ऐसे सवाल हैं, पुलिस पर सवाल उठते हैं। कोरोना काल एक तरफ चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के मामले निकलकर सामने आना, पुलिस पर भी सवाल और सरकार पर भी सवाल, क्योंकि इस तरीके से लग रहा है कि जो कोरोना संक्रमण है वो भी कम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार लापरवाही देखी जा रही है, ऐसे में कोरोना संक्रमण को लगाम लगाना तो मुश्किल। महाराष्ट्र सरकार अब तो तीसरी फेज के लिए तो छापेमारी में 12,000 जिलेटिन की छड़े बरामद की गई हैं। टीम ने तकरीबन 3,000 डेटोनेटर जब्त किए हैं। ये पूरा मामला मुंबई का है, जहां पर बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 22 मई तक पुलिस कस्टडी में आरोपी को भेज दिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। राजधानी लाइव की तीसरी खबर आपको बताते हैं। पंजाब के गांव को टीकाकरण से परहेज न करने के बदले तोहफा देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार के कोरोना मुक्त गांव अभियान के तहत 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने वाले हर गांव की 10,00,000 रुपए का विकास अनुदान दिया जाएगा। राज्य भर के गाँव के सरपंचों और पंचों को अपने अपने गाँव में कोविड के खिलाफ जंग की अग्रणी भूमिका निभाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंचों और पंचों द्वारा लोगों को हल्के लक्षण नजर आने पर भी अपनी कोविड संबंधी जांच और टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तकरीबन 4,000 लाइव लोकेशन पर अलग अलग गांव की पंचायतों और 2,000 मुखिया के साथ एलईडी स्क्रीनों के द्वारा बातचीत की और उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही सरपंचों को कोविड के इमरजेंसी इलाज के लिए पंचायत फंड में से प्रतिदिन 5,000 रुपए की सीमा तक खर्च करने की मंजूरी दे दी है और यह सीमा 50,000 रुपए तक निश्चित की गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को कोरोना के घातक प्रभाव और कीमती जीवन बचाने के लिए जल्द इस रोग का पता लगाने और इलाज करवाने की जरूरत संबंधी जागरूक करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये काम सिर्फ विशेष रूप से प्रचार मुहिमों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने पंचायतों को विशेष मेडिकल कैंप लगाने और पूर्व सैनिकों की सेवाएं देने के लिए भी कहा, जिन्होंने अपने सेवा काल के दौरान कई जंगें लड़ी और इस महामारी के खिलाफ राज्य की जंग का हिस्सा बन गए। तो आपको बता दें कि ग्रामीणों के लिए कई ऐसे तोहफे हैं, टीके से परहेज ना करने वालों के लिए बड़ा तोहफा, लक्ष्य पूरा होने पर हर गांव को 10,00,000 रुपए दिए जाएंगे, यह सीएम की तरफ से ऐलान किया गया है। जगतार सिंह भुल्लर सहयोगी समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगतार जी, एक सीएम की तरफ से बड़ी सौगात ही इसको कहा जाएगा अगर टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो जाता है तो हर गांव को 10,00,000। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे काजल, देखिए जिस हिसाब से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है तो इसके लिए लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा सरकार का। और कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करीब 4,000 जो लाइव लोकेशन और 2,000 सरपंचों से बात किया और इसका क्योंकि पंजाब सरकार ने मिशन बनाया कोरोना मुक्त पिंड अभियान और इसके तहत 100% जो टीका करने का जो लक्ष्य पूरा करेंगे उन गांव सरकार ने 10,00,000 रुपए की विशेष ग्रांट देने का फैसला। तो ये एक बड़ा तोहफा किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि अभी भी गांव में बहुत ज्यादा जो टीका करना उसके लिए भय है, डर है कि लोग इसके गलत र्यूमर जो फैले हुए हैं उसके चलते कोई भी टीकाकरण नहीं लगवा रहा। लेकिन अब क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है तो निश्चित तौर पर सरकार ने कल कहा कि जो भी टीकाकरण 100% करेगा जिस पंचायत की कोशिश रहेगी उसको डेवलपमेंट के लिए 10,00,000 का जो सरकार उनको इनाम देगी। और साथ के साथ ये भी बोला जा रहा है कि अगर सरकार ने सरपंचों और पंचों को कोविड के इमरजेंसी इलाज के लिए फंड में से रोजाना 5,000 की सीमा तक खर्च करने की भी मंजूरी दी है और ये भी कहा कि ये 50,000 पद तक कर दी जाएगी और लोगों की मदद के लिए सरकार ने 104 हेल्पलाइन नंबर चालू भी किया और घरेलू एकांतवास के लिए भी मरीजों के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य टीम के रोजाना फोन करके उनका पूछ रहे अगर किसी पूरे परिवार में कोरोना है
तो उसके लिए अगर खाने के लिए सरकार ने 112 नंबर कोविड मरीजों के लिए 24 घंटे भोजन मुहैया करवाने की भी ये उनकी कोशिश जारी है, क्योंकि जो अभी जो बताया जा रहा है कि देश के जो 7 राज्य हैं वो उसमें पंजाब भी है, जहाँ जो अगले 2 हफ्तों में जो कोरोना की जो लहर है वो पीक पार कर जाएगी, तो ऐसे में पंजाब सरकार की कोशिश, तभी कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करीब 2000 के जो पंच और सरपंचों से बात किया कि जल्द से जल्द जो 100% टीकाकरण किया जाए गांव के लोगों का और इनाम भी लिया जाए, ये सरकार की तरफ से कोशिश, क्योंकि सरकार ने अब कोरोना मुक्त पिंड अभियान शुरू कर रखा है। जी काजल, एक और सवाल जगतार जी मेरा आपसे होगा, हालांकि कई उम्मीदों के साथ सरकार की तरफ से इस मुहिम को शुरू किया गया है, इस लक्ष्य को शुरू किया गया, क्या लगता है कि इस लक्ष्य के साथ किस हद तक जो टीकाकरण का अभियान है लोग जागरूक हो पाएंगे, किस हद तक ये सफल हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से अब गांव में लोग, पहले तो यही था कोरोना कह रहे थे शहर में बहुत ज्यादा केस है, लेकिन अब जो कोरोना वो गांव के भीतर जा चुका है, काफी गांव जहां हर रोज लोगों की डेथ हो रही है, तो एक ही बचाव, एक तो सोशल डिस्टेंस है ही है, मास्क है, जितने भी आप सैनिटाइज की वस्तुओं का इस्तेमाल करोगे, लेकिन उसके बाद आप इंजेक्शन लगवा लेते हो कि आपकी जो कह सकते हैं कि आप अगर खुदा न खास्ता फिर भी आपको कोरोना हो जा सकते, आप कम से कम आईसीयू और वेंटिलेटर तक नहीं जाएंगे। जैसे सरकार लोगों को समझाने का जतन करी है कि टीके का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जो भी वैक्सीन लगवाएगा उसको फायदा होगा, तो इसलिए सरकार कोशिश करी, आप लोगों को भी काफी अवेयरनेस आ चुकी है, लोग जागरूक हो चुके हैं कि इंजेक्शन ही एक विकल्प है और जितनी जल्दी लगाया जाए उतनी जल्दी उनकी जिंदगी बचेगी, क्योंकि गांव में आप गांव चाहे बाहर के किसी भी गांव में चले इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए सरकार की कोशिश है कि जो भी सरपंच जो पंचायत ग्राम पंचायत जो अपने गांव में कोशिश करेगी कि 100% टीकाकरण हो जाए, तो निश्चित तौर पर ये सरकार का एक जतन है और इस जतन के लिए लोगों को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। सरकार की तरफ से यही कह रहे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, करीब 2000 पंच और सरपंच से बात की है। बहुत शुक्रिया जगतार जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो टीके से परहेज ना करें लोग, टीकाकरण करवाएं, और इसी लक्ष्य के साथ पंजाब सरकार की तरफ से ये नया लक्ष्य रखा गया है, नई मुहिम की शुरुआत की गई है। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही, आप देख रही है एएनबी न्यूज, नमस्कार।